परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा है कि मोदी और योगी राज में हर व्यक्ति इस वक्त परेशान है। आपको बता दें कि जिस तरह की खबर आई है, उनका कहना है कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों में गुस्सा बना हुआ है सरकार के प्रति, और लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं को वो लुभाते हुए भी नजर आए। उनका ये कहना है कि जिस तरह की महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, उससे लोगों में नाराजगी बनी है। निश्चित तौर पर जो लोग इस शासन से परेशान हो चुके हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट करें, बीजेपी की नीतियों से जो परेशान हैं उन्हें समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहिए। ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि काला धन देश में आएगा और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपये जमा होंगे, लेकिन आज तक किसी के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया है। सारे दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, और इस देश की जनता को मोदी जी ने चुनाव के पहले कहा था कि हम विदेश से काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपया सबके खाते में डालेंगे। तो 15 लाख रुपये देना तो छोड़ दीजिए, भारत के तमाम बैंकों का पैसा मोदी जी की छत्रछाया में विदेशों में जा रहा है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया।